हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फोस्टर एकेडमी। दिस इज श्वेता पांचाल एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। आज की जो वीडियो है ये हमारी ज्योग्राफी की पार्ट नंबर 5 वीडियो है, और इससे पहले जो टॉपिक है वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और काफी सारे आपको प्लेलिस्ट के लिंक वहां पर मिल जाएंगे, उनको जरूर जाकर आप चेक कर लीजिए। इसके अलावा अगर एनवीएस की तैयारी करें तो ये चैनल आपके लिए बिल्कुल सही है, काफी सारे प्लेलिस्ट आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। इसके अलावा ये जो हमारा टॉपिक है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इसमें हम बेसिकली बात कर रहे हैं इस वाले जो एमसीक्यूज वाली जो सीरीज है, ये वाला जो पार्ट है इसमें हम बात कर रहे हैं ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, तो इसकी जो वीडियो है, इसके जो कंटेंट की वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती। तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद से लगभग कितने वर्ष पहले महाद्वीपों एवं महासागरों का निर्माण हुआ? तो इसका आंसर रहेगा 3.8, यानी 3.8 अरब साल पहले। क्वेश्चन नंबर 2 है, अल्फ्रेड वैगनर कहाँ के विद्वान थे? तो अल्फ्रेड वैगनर थे जर्मनी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यानी जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी है, उसका प्रतिपादन कब किया गया? तो इसका प्रतिपादन किया गया कब, 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंजिया किसे कहा गया? तो पेंजिया कहा गया किसको, बताइए। तो पेंजिया कहा गया पार्ट जो ऑप्शन बी है बिल्कुल सही है, सभी महाद्वीप एक स्थान पर थे उन्हें कहा गया, यानी पेंजिया का मतलब है ये जो वैगनर की थ्योरी है पेंजिया वाली, इसमें बोला गया कि जो महाद्वीप है वो जैसे आज 7 पार्ट में डिवाइड है, उस वक्त पूरा एक ही हिस्सा थे। ठीक है, और साथ में जुड़े हुए थे, तो कई सारे प्रमाण भी इसके लिए प्रस्तुत किए गए हैं। तो सभी महाद्वीप का एक स्थान पर थे जब, तो उसको क्या बोला गया, इसे पेंजिया बोला गया, इस पूरे हिस्से को, इस पूरे जमीन के टुकड़े को पेंजिया बोला गया। पेंथलासा महासागर किसे कहा गया? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेंजिया जो है, जो एक टुकड़ा है जमीन का, उसके चारों तरफ जितना भी पानी है, तो पेंथलासा का मतलब होता है ऑल वाटर, और पेंजिया का मतलब क्या था, ऑल अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के साथ में स्थित होने की संभावना व्यक्त की? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्राहम आर्टेलियस। ठीक है, मैप के थ्रू ने बताने की कोशिश की थी। इनमें से कौन सी लघु प्लेट नहीं है? तो बताइए इनमें से कौन सी एक लघु प्लेट नहीं है। इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट की जो सीमा है यानी बाउंड्री है, और उसके किस तरह की प्लेट सीमा, वो किस तरीके की अपने आप में एक प्लेट सीमा है? तो इसका आंसर जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका महाद्वीपीय अभिसरण। और ये जो टॉपिक है इसकी मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई इस टॉपिक की, तो टॉपिक की वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसको जरूर जाकर चेक कर लीजिए। भारत का संबंध किस प्लेट से है? तो भारत का जो संबंध है वो है कौन सी प्लेट से, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट यानी इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। नेक्स्ट है, हॉटस्पॉट सिद्धांत कब प्रस्तुत किया गया? तो हॉटस्पॉट सिद्धांत जो है वो प्रस्तुत किया गया कब, 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य महासागरीय कटक के संदर्भ में कौन सा जो कथन है बिल्कुल सत्य है? तो इसका आंसर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अब देख लेते हैं ए और बी दोनों है क्या। अटलांटिक महासागर के मध्य में उत्तर से दक्षिण तक आपस में जुड़े हुए पर्वत, दूसरा है महासागरीय जल में डूबी पर्वत श्रृंखला। ठीक है, नेक्स्ट है, प्लेट का क्या अर्थ है? प्लेट का क्या अर्थ है? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी महाद्वीपीय स्थलखंडों से मिलकर बना विशाल भूखंड और महासागरीय स्थलखंडों से मिलकर बना हुआ विशाल भूखंड, ठोस विशाल भूखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपांतर सीमा के संदर्भ में कौन सा कथन एकदम ठीक है, बिल्कुल सत्य है? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दो विवर्तनिक प्लेट जब एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाती है, ना तो प्रॉपर्टी का कोई निर्माण होता है और ना ही कोई विनाश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, नदियों की तली में खनिजों का अवसाद के रूप में इकट्ठा हो जाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी, प्लेसर निक्षेप, प्लेसर निक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिलाइट के संदर्भ में कौन सा जो कथन है वो बिल्कुल सत्य है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। टिलाई अवसादी चट्टाने जो हिमानी निक्षेपण यानी डिपॉजिट, किसके डिपॉजिट, हिमानी के यानी ग्लेशियर्स के डिपॉजिट से बनती है, गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में पाए जाते हैं, और भारत के अतिरिक्त दक्षिणी गोलार्ध यानी आपका जो साउथ सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें, अफ्रीका मेडागास्कर में भी मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेमूरिया जो प्रजाति है उसके जीवाश्म कहाँ मिले हैं, यानी उसके जो फॉसिल्स है वो कहाँ मिले हैं? तो इसका आंसर जाएगा उपरोक्त सभी, भारत में मेडागास्कर और अफ्रीका, तीनों जगह पर ही
मिले हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 17, पेंजिया के विभाजन के समय कौन से दो बड़े महाद्वीपीय पिंड अस्तित्व में आए? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी, लोरेशिया और गोंडवाना। ठीक है, ये था आपका नॉर्थ में और ये था आपका साउथ में। पोलर फिलिंग बल ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित। वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के लिए किन बलों को उत्तरदायी ठहराया है? तो ये दो तरीके के बल थे, पहला था पोलर फिलिंग बल, दूसरा था ज्वारीय बल। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों ही बल रिस्पॉन्सिबल है। प्लेट विवर्तनिक की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो इसका आंसर जाएगा उपरोक्त सभी, मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया कब? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1967। क्वेश्चन नंबर 22, प्लेट विवर्तनिक की जो संकल्पना उसके अनुसार कुल कितनी बड़ी प्लेटें हैं? तो इसका आंसर जाएगा ए, कुल 7 बड़ी प्लेटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो इसका आंसर जाएगा ए, अल्फर्ड वेगनर। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास, टिलाइट का निर्माण किसके कारण होता है? टिलाइट का निर्माण किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर सी, यानी हिमनदों के निक्षेपों, यानी ग्लेशियर के जो डिपॉजिट है उनके द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक लघु प्लेट नहीं है? तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका, ये एक लघु प्लेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं अब, निम्नलिखित में से कौन हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की प्लेट सीमा का एक प्रकार है? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महाद्वीपीय अभिसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद ध्रुवीय पलायन बल से संबंधित है? ध्रुवीय पलायन बल, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा पृथ्वी का घूर्णन। ये क्वेश्चन अभी आया है, लेकिन इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, प्लेट की गति सबसे धीमी दर को कहां पर देखा जा सकता है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्कटिक रिज में। कहां पर? आर्कटिक रिज में, आर्कटिक रिज। 29th क्वेश्चन, प्रशांत के रिम को और क्या किस नाम से जाना जाता है और क्या कहा जा सकता है? तो इसको कहा जा सकता है रिंग ऑफ फायर, क्योंकि प्रशांत महासागर में ये रिंग ऑफ फायर को क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो एरिया होता है यहाँ पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी उद्गार देखने को मिलते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर इसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। संवहन धारा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका आंसर रहेगा ए, आर्थर होम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विवर्तनिक प्लेट किसका स्लैब है? एक विवर्तनिक प्लेट जो है वो किसका स्लैब है? ऑप्शन नंबर सी, ठोस चट्टान, बिल्कुल सही इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, किस विधि से महासागरों के पार विभिन्न महाद्वीपों के चट्टानों के निर्माण को सहसंबंध करने में मदद मिलती है, यानी कौन सी विधि है, किस माध्यम से? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, रेडियोमेट्रिक डेटिंग विधियां। ठीक है, इससे चट्टानों की एज पता की जाती है कि ये चट्टान कितनी पुरानी है, और एज पता करके हमने ये पता लगाया कि एक पर्टिकुलर एरिया में जो चट्टाने थी आज वो दो जगह पे पाई जाती हैं, तो इस हिसाब से क्योंकि ये एक जगह के पर ही थी तो ये जो जगह है ये पहले साथ में मिली हुई थी। गहराई के साथ साथ राहत के रूपों के आधार पर समुद्र तल को कितने विभाजन में विभाजित किया जा सकता है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया जा सकता है। अल्फ्रेड वैगनर ने घिरे हुए एक बड़े महाद्वीप को क्या नाम दिया? तो इसका जो आंसर जाएगा वो तो आप पहले से ऑप्शन देख के बता सकते हो, पेंजिया, यानी ऑल अर्थ। ठीक है, ऑल अर्थ, और पेंथलासा क्या था? ऑल वाटर, यानी जितना भी अर्थ के ऊपर पानी है उसको क्या कहा गया? पेंथलासा। भारतीय महाद्वीप स्थित था कहां पर स्थित था पहले? तो इसका जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर। एशियाटिक और प्रशांत प्लेट के बीच में स्थित टेक्टोनिक प्लेट क्या है? तो इसका आंसर जाएगा आपका फिलिपिन प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसका आंसर आप बताओ, मैंने ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है यहाँ पर। वेगनर द्वारा विशाल महासागर को क्या नाम दिया गया, बताइए जल्दी से। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास हैं, पेंजिया, पेंथलासा, अंगारा लैंड या फिर गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो आंसर बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में, टफ नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, साथ ही में चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर तैयारी ऐसी जारी रखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।